अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं, 5 बल्कि 5:30-6 बज चुके हैं। तो मैं आ गया था छत पे चूजों को डालने के लिए दाना पानी। तो आजकल जो गर्मी है तो काफी ज्यादा हो गई है, तो आओगे मेरे पसीने से नजर आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी जो है वो हो गई। तो जो मेरे चूजे हैं उन्होंने भी अभी ना खाना पीना कम किया हुआ डाइट पे है, जो कुछ भी डालता हूँ तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं खा रहे। मैं दाना भी डाला है वो भी नहीं खाया, चावल का टोटा था वो भी नहीं खा रहे, और जो दाने का दलिया था कनक का वो भी नहीं खा रहे, और आज रोटी डाली है तो वो भी नहीं खा रहे। तो पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो जिंदा है, सलामत है, अल्लाह ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह जिंदा है सलामत रहे। जैसा कि आपको बताऊं मैं कि शाम के वक्त मैं निकल रहा हूँ बाइक राइड पे, तो आज भी निकले गए बाइक राइड पे। अभी जो बैटरी है वो उसकी एक दिन हो गया तकरीबन मैंने बाइक नहीं चलाई, तो देखते हैं आज जो उसकी बैटरी है वो ठीक है कि नहीं, बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। क्योंकि पहले मैं चलाता था रात के वक्त बाइक, तो उसकी जो मैंने लाइट्स अपग्रेड कराई हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लाइट्स हैं, जिसकी वजह से बैटरी पे जोर पड़ता है और बैटरी कमज़ोर हो गई थी। तो दो दिन मैंने बाइक जो है वो दिन टाइम चलाई है ताकि उसकी बैटरी है जो चार्ज हो जाए, लेकिन अब देखते हैं कि बैटरी उसकी चार्ज हुई है कि नहीं हुई, तो चला के देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती। इस बार जो हेलमेट का जो था सेटअप माइक का वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ पे पहले मैंने सिर्फ कॉटन जो थी उसे लपेट दिया था माइक के साथ, आज मैंने कॉटन और ये एक फोम सा है जिसकी जिस साल मैंने पूरे हेलमेट की पैडिंग की है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा साथ जो है लपेट दिया। तो देखते हैं आज जो है साउंड क्वालिटी कैसी आती है, बेहतर होती है कि नहीं होती। और ये करिए जी हमारी बाइक कैसे माशाल्लाह चमक रही है, चमक चमक के दमक दमक के, तो काफ़ी ज़्यादा चमक रही है बाइक। वैसे इसके जो नट है तो अभी मैंने नहीं लगाए, तो अभी मैंने बाइक जो है वो स्टार्ट करके देखनी है, अगर स्टार्ट होगी तो ठीक है। तो ये इस काम के लिए मैंने नट खोले हुए थे ये चीज़, तो ये नीचे बैटरी है, तो अभी देखते हैं कि बैटरी जो है वो बाइक को स्टार्ट करती है कि नहीं करती, और इसे लगा देते हैं। चाय भी पकी है तो अभी चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। अभी मैंने चाय पीने लगा था यहाँ पे गरम गरम, और यहाँ पे आ गया ठंडा ठंडा इलायची का शरबत, तो पसीना जो है मेरे काफ़ी ज़रा आ रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है शरबत पीने का। इतनी गर्मी में मैं चाय क्या पीऊँगा, तो शरबत पीते हैं फिर साथ चाय भी पीते हैं। अभी जो है मैं इलायची का शरबत जो है वो पीने लगा हूँ, तो पहली मरतबा भाई पीने लगा हूँ, मैं वैसे पीता नहीं हूँ, मैं पीता हूँ रूह अफजा या जामे शीरी। तो ये अभी पी के देखते हैं स्मेल जो है, हाँ अभी पी के देखते हैं कहता है। ठीक है चलें जी गाइस, अभी चेक करते हैं बाइक स्टार्ट होती कि नहीं होती। तो ये हमारा जो कूलर है ये पता नहीं कहाँ किसी ने लग दिया, दरमियान पे इसे उठा के थोड़ा साइड पे कर देते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करके देखते हैं। अभी जो मीटर है वो तो ऑन हो चुका है, तो बाइक जो है वो स्टार्ट होगी कि नहीं अभी पता चल जाएगा। जनाब नो रिस्पॉन्स, किसी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अभी इसका जो मुझे जुगाड़ नज़र आया ना, तो मेरी ऐनक इधर पड़ी तो ये भी लगा लेते हैं। तो इसका जो मुझे जुगाड़ नज़र आया तो वो मैं ज़रा करके देख लूँ कि होता है कि नहीं होता। पैया ऐनका पैया या कितने फंस गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। तो अभी इसे उठाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे काम करता है जुगाड़ के नहीं करता। इसे उतारना है और इसे साफ़ करना है और इसे भी लगाना है, और इसका नट लगाना है। ये ऐसे दोबारा गिर गया तो ये फिर से लगा देते हैं। लग जाए भाई, हाँ ठीक है ओके हो गया। तो ये भी लग गया, ये भी लग गया, और इसे दोबारा लगा देते हैं। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है कोई कि नहीं। चल जा मीटर टेस्ट लोगे, वहाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया। होगी स्टार्ट, होगी स्टार्ट, होगी स्टार्ट, यस यस वेल डन। और फिर गिर गया, तो अभी मैं इसका जो बांधना हो जाए, तो अभी इसका भी नट जो है वो लगा दूँ। ये बार बार गिरी जा रहा है, तो इसका भी जो नट है वो लगा देते हैं और सीट हम ऊपर फिट कर देते हैं इसके ऊपर यस मैस करके। ये ले जी सीट होगी फिट। तो अभी इसका जो नट लगाना है तो उसके लिए
नहीं गिरेगा यार अब, कोई नहीं अभी बंद करनी पड़ेगी इसका ना दुकान करिए, तो अभी इसे निकालते हैं बाहर और चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, तो अभी आ गए हैं जी हम अपने ट्रैक के ऊपर। तो डायरेक्ट सीधा मैंने ट्रैक पे आ गए ले आके आपको मारा है। तो मैं अभी बाइक भगा नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बार बार डर लग रहा है कि मेरे आज फिर टापे जो हैं वो कहीं पे डिग डुग ना जान, तो इसलिए मैं अभी बहुत स्लो स्लो बाइक चला रहा हूँ। तो क्योंकि अभी मैंने नट वगैरह लगाए नहीं है, एक साइड का नट है मेरे पास वो अभी मैंने लगाया नहीं है, और जो एक साइड का नट ही नहीं है तो वो जब इंशाल्लाह फैसला बाद जाएंगे तब लगाएंगे। पहले तो मुझे कभी डर नहीं था इसके गिरने का, ये जब से मैंने सीट खोली हुई ना, मेरा ख्याल जब मुझे जंप लगता है तो सीट उछली है ऊपर और जो टापे हैं वो साइड को निकल उगल जाते हैं और डिग डुग जाते हैं। तो क्या खूबसूरत यह बना हुआ है ताजमहल। तो ये गरीबों का ताजमहल है, अमीरों का तो दूसरे, ये भी अमीरों का है यार, अमीरों का ताजमहल है, गरीब बंदा तो ताजमहल बना ही नहीं सकता, अमीरों का ताजमहल। तो वैसे जो आज मौसम है तो मौसम तो ठीक है, ठंडा नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है फिजा में और बाहर, और यहाँ पे जी लग रहा है कि जैसे नहरी शहरी चढ़ रही हो, तो कोई फिलहाल पता नहीं है कि नहरी शहरी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। तो अभी हम चला रहे हैं बाइक पूरे जी 50 की स्पीड में, 51 की स्पीड में, 52 की, 53 की स्पीड में, रुक जा यार किसी स्पीड से रुक जा, तो 54 की स्पीड में। तो जी हम 54 की स्पीड में अभी बाइक भगा रहे हैं और मेरी सुई उई कर दी हुई। तो हम जा रहे हैं जी बड़े बाईपास की तरफ, जो कि 65 वाला बाईपास बचता है, जो कि बड़ा बाईपास भी उसे कहते हैं, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैंने जिस गेट की पिछले व्लॉग में बात की थी वो ये वाला गेट है, जो कि बिल्कुल रेडी शेडी मेकअप शेप करके उन्होंने तैयार कर दिया है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा गेट, तो ये जी वो गेट जो कि रेडी शेडी हो चुका है। तो ठीक है ना, मजा लग रहा है, कोई इतना खास बनाया नहीं वैसे। केले राइड करने का मजा आता है, लेकिन जो ब्लॉग में ना वो नहीं मजा आता। अब ब्लॉग में वो फ्रेम वो बनाओ, सामने 4-5 बाइक्स है वो चल रही है और बंदा बातें करता जाता है, जा रहा हो ग्रुप राइड हो तो फिर मजा आता है ब्लॉग का, मोटो ब्लॉग का भी। तो इस तरह चुप चुप इधर अकेले अकेले बंदा जा रहा हो तो मजा नहीं आता यार करने का, ना आपको मेरे ख्याल देखने का मजा आ रहा होता। तो ये क्या करेंगे कि पीछे से एक बाइक है ना, अपना कोई बाइक है वो रखेंगे कैमरा लगा के, तो वो पीछे से हमारी वीडियो बनाता लेके आता करेगा, लेके आया करेगा, वो बनाता आया करेगा। यार मेरी जबान भी थोड़ी देना ये इधर उधर चली जाती है तो समझ नहीं आती, यहाँ से कूड़ा फेंकना छोड़ दिया था, दोबारा मेरे ख्याल उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो अच्छा खासा कूड़ा है दोबारा से इन्होंने यहाँ पे फेंक दिया। ਸਮਾਨ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾਓ, ਕਿਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਓ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੀ ਆ नुकसान हो जाना थोड़ा, आ देखो जी, आ देखो जी, हर बंदे ही मोजी है, हर बंदे ही मोजी, पीछे नहीं देखना, इशारा देख लाया भी साइड से, आला होना इधर होना लवा ली मेरे को इशारा नहीं देना, ओधी देर हो सीधे ही चल भाई गल ना बात पुछना भी नहीं है भाई, तू आना नंगना नहीं नंगना, चल भाई सीधे ही हल जुड़ू करके साइड से। पता नहीं मेरी आज का जो व्लॉग है तो वो साफ रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो अभी कोशिश है कि मेरा जो ये माइक सेटअप है ना तो बिल्कुल सेट हो, एक मिनट ये सेट हो जाए तो फिर जो कैमरा का सेटअप है तो वो तो फिर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सेट हो ही जाएगा जब इंशाल्लाह ज़रा इनकम आएगी। यूट्यूब से तो कोई नहीं आ रही वैसे कि कहीं से आएगी, तो फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो जो सबसे मुश्किल जो काम होता है ना मोटो व्लॉगिंग में तो वो माइक सेटअप जो है वो करने पे होता है। तो एक तो माइक सेटअप हो जाए तो सारे काम हो जाते, मैं अब अपने टापे पूरे कर लूँ भाई के यहाँ तक तो पूरे टापे भाई, अभी गिर जाते हुए गिर के तो फिर यही मल्ले से मेरे से मिल जाएंगे, लेकिन अभी तो पूरे हैं टापे यार इसके। मोटरसाइकिल वाला शेजादा
पीछे नहीं देखा था बातें काली मरता गला थे यार। आज कोई स्पेशल ही दिन चलन दिया आराम सुकून है जाने घर तक जो टक्कर अपने लागे लागे फिरन दियाँ तो पता नहीं नज़र तो नहीं लगी किसी भी मोटरसाइकिल माशाल्लाह माशाल्लाह सोहनी लगन नहीं मैं पता साफ सुथरी है लेकिन नज़र ना लगी है अल्लाह रहम करे। तो इतने तक तो आप आराम सुकून है इंशाल्लाह माशाल्लाह पहुँच चुके। तो अभी चलते हैं जी गढ़ की तरफ गो। हाँ जी गाइस तो अभी आ गए हैं घर। तो आप पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ। तो गर्मी में हेलमेट पहनना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो गर्मी में हेलमेट भी नहीं पहना जाता और मोटो लोग के लिए मैं हेलमेट पहनता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो खैर अभी तकरीबन मगरब का टाइम हो गया तो यहाँ पे बैठ के अभी व्लॉग वगैरह एडिट करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था नीरी छिरी चढ़न दी थी तो नीरी छिरी आ गई है। तो जो खिड़कियाँ वगैरह मैं बंद कर दूँ तो मेरे जो कमरे में है वो मिट्टी ना आए। हाँ जी गाइस अभी तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया और जो लाइट है वो चली गई है। तो वैसे जो मेरा व्लॉग है वो भी तकरीबन एडिट हो चुका है सारा और जो आज का मोटो व्लॉग का रिजल्ट आया तो काफी हद तक जो बेहतर है। आवाज काफी ज्यादा साफ आई है। उम्मीद है कि ऐसा 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 और बेटर होगा। तो अभी जो लाइट है वो चली गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग जो है यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही अल्लाह हाफिज़।